avyādajo'ṅghri maṇimāṃstava jānvathorū yajño'cyutaḥ kaṭitaṭaṃ jaṭharaṃ hayāsyaḥ keśavastvadura inastu kaṇṭhaṃ viṣṇurbhujaṃ mukhamurukrama īśvaraḥ cakrayagrataḥ sahagado harirastu paścāt tvatpārśvayordhanurasī madhuhājanaśca Poneshu shankha urugaya upariyupendra starkshakshitau haladhara purushas samanta Indriyani rushikesha pranan nārāyaṇo'vatu Shvetadvipapatishchittam mano yogeśvaro'vatu Prushnigarvastute buddhim atmanam bhagavan parah Kridantam patu govindah Shayanam patu madhavah Vrajantam avyad vaikuntha asinam tvam shriyakpatihi Bhunjanam yagna bhukpatu sarvagraha bhayankarah Dakinyo yadu danyascha kushmandayer bhakagrahah Bhuta preta pishachascha yaksharaksho vinayakah Kotararevati jishtha putana matrukadayah Unmadaye yapasmara deha pranindriyadruha Svapna drashta mahotpata vriddhapala grahaschaye Sarve nashyantu te viṣṇor namagrahana bhīravah आपको यदि अपने बच्चे में कोई अनिष्ट की आशंका हो जाए कि किसी की नजर लग गई है किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है बच्चा बीमार हो गया है जो भी हो आप इस कवच का पाठ करो और ठाकुर जी तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेंगे इसलिए पूरे कवच का मैंने पाठ किया इतना सा टुकड़ा ले लेना कथा से और ये बचता रहेगा हो सके तो आप भी इसका साथ साथ पाठ करो दशम स्कंद में भागवत में ये छठवें अध्याय में है 22 से लेकर के 29वें श्लोक तक इसको पूतनाष्टक भी कहते हैं ये कवच है इस कवच का पाठ करने से रक्षा होती है बालक देखो इसमें क्या कहा गया ऋषिकेश भगवान तेरी इंद्रियों की रक्षा करे लाला नारायण भगवान तेरे प्राणों की रक्षा करे श्वेतद्वीपपति तेरे चित्त की रक्षा करे योगेश्वर तेरे मन की रक्षा करे प्रश्नगर्भ तेरी बुद्धि की रक्षा करे पर भगवान तेरी आत्मा की रक्षा करे जब तू खेलता होए तो गोविंद तेरी रक्षा करे जब तू सोया होए तब माधव तेरी रक्षा करे जब तू चलता होए वैकुंठ तेरी रक्षा करे बैठा होए श्रीहपति लक्ष्मीपति भगवान तेरी रक्षा करे जब तू खाता होए तो यज्ञभुक भगवान तेरी रक्षा करे इस तरह भगवान के अलग अलग नामों से लाला के एक एक अंगों की और हर स्थिति में रक्षा हो ये प्रार्थना करी गोपियों ने